आज कमीशन ने फिर ये मेरे से पूछा कि आपको कोई एंटी करप्शन वालों से जो केस है कोई आपको कांटेक्ट किया गया? मैंने उनको वही बताया कि आज तक हमें कुछ पता नहीं ऑफिशियली क्या केस है, क्या हुआ है। मैंने दरख्वास्त ये किडनैपिंग के बाद मुल्तान है जो लाहौर बेंच है मुल्तान में उधर दरख्वास्त दी थी, उधर डायरेक्शन गए थे एस को कि आप इन्वॉल्व करें इनको और प्रोसीड करें उसके बाद, लेकिन उसके बावजूद लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुल्तान बेंच के कोई कांटेक्ट हमसे नहीं हुआ, ना मेरे वकला से हुए ना मेरे साथ हुए। और हमें तो खबरें इधर उधर से पता चलती हैं कि जी आपको एफआईआर में डाला गया अप्रैल में पहले, और अब मैंने सुना है कि मुल्तान ब्रांच में जो पटवारी थे जो ओरिजिनल एफआईआर में थे उन्होंने भी केस दाखिल किया क्वेश्चनमेंट का, उसकी भी रिपोर्ट आनी थी 2 जुलाई को, हम कोशिश कर रहे हैं हमें पता चले। तो मतलब है कोई समझ नहीं आ रही, और वाजे हो गया कि ये सारी एक सियासी और ये विक्टिमाइजेशन कह लें या प्रेशर डालना या खौफ डालना ये उसके जराए चल रहा है। ये कार्रवाई में कोई ना कानूनी चीज़ हो रही है जैसे कि फैसल ने आपको बताया, ना कानूनी तरीक़ेकार चल रहा है, ना कोई कानून के दायरे में रह के कोई एक्शन ले रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ये वाजे हो गया है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसका एजेंडा जो है, और इम्पोर्टेड हुकूमत के जो हैंडलर्स हैं इनका एजेंडा है कि पीटीआई की लीडरशिप को आप टेररिज करो, आप खौफजदा करो, और उससे लोग खौफजदा होंगे। लेकिन आपने देख लिया हर रोज हजारों की तादाद में लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं इमरान खान के जलसों पे, ना पीटीआई की लीडरशिप खौफजदा है ना लोग खौफजदा है, वो खौफ की जंजीरें टूट गई हैं क्योंकि कौम को पता है कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें अमेरिका की गुलामी नहीं चाहिए। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इनका मकसद आने का सिर्फ था कि अपने करप्शन के केसेस ख़त्म कर दें और बाकी अमेरिका के सामने लेट जाएं, जो अमेरिका कहे वो आप करें। और अभी हिंदुस्तान के टीवी आप देखें तो खबरें आ रही हैं कि वाह वाह शहबाज शरीफ ट्रेड फिर से कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ। आप देखें पूरी साउथ एशिया में हिंदुस्तान के अलावा रूस से सस्ता तेल लोग खरीद रहे हैं, गंदम खरीद रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत क्योंकि अमेरिका के प्रेशर में है, उनकी साजिश से आई है पावर में, तो वो ना तेल सस्ता खरीद के लोगों की तकलीफ़ों को ख़त्म कर रहे हैं ना गंदम खरीदना चाह रहे हैं, वो खौफजदा बैठे हुए हैं कि अमेरिका कोई कुछ करना दे। और इसके बावजूद IMF से अभी तक कुछ नहीं उन्हें मिला, लोगों को पीसते जा रहे हैं बढ़ती कीमतों से लेकिन IMF से अभी कुछ ना मिला। तो मुझे नहीं समझ आती पूरे मुल्क की मईशत को तबाह करके, मुल्क को तबाह करके ये IMF से क्या लेंगे, अमेरिका की गुलामी मिलेगी, ये हमें नहीं मंजूर। थैंक यू सर।